जी का जो इंटरव्यू है जी उसमें एक जो स्पोर्ट्स परिवार का स्पिरिट होता है हाँ जी वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा। जब उनको कहा बोलता उन्होंने कहा वो भी तो मेरा बेटा है। जब नीरज चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम की जीत पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अरशद नदीम भी मेरा ही बेटा है। हम तो बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है, गोल्ड उसका है बीमार है, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों वहाँ बच्चे के खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिल गुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं मतलब इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माजी आपको, सल्यूट है, क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, ऑपोजिशन में थे उनके वालदा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि गोल्ड मेडल जहां मर्जी गया है हम उसके लिए, वो भी हमारा बेटा है, हम खुश हैं। लगा है, बड़ी खुशी हुई है। मेरा ही, वो भी मेरा ही पुत्र है। मेरा पुत्र है तो मतलब है कि ये देखें कितनी अच्छी बात है जी। यही बातें होती है जो कि दिलों को लगती हैं, आवामों को इकट्ठा करती हैं। यकीन माने ये दुनिया की बहुत बड़ी जो माएं होती हैं ना, जिनका बहुत बड़ा कलेजा होता है, उन्होंने ये चीज जाहिर की। और यकीन माने कि वो एक माँ नहीं है, वो एक अजीम माँ है, क्योंकि उन्होंने अजीम माँ होने का सबूत दिया। ये याद रखें कि जिस बंदे को 85,000 से 75,000 की जब जरूरत थी ना एक जैवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जैवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। अगर मैं माँ की बात कर लू, बहन की बात कर लू, बेटी की बात कर लू, हमें इस तरह की औरत चाहिए जिस तरह की औरत नीरज चोपड़ा की मदर है। वी नीड लाइक दिस। मतलब यार हम इस चीज की कमी में हैं। अब नीरज चोपड़ा की मदर ने जो लफ्ज यूज किए हैं, जो अल्फाज यूज किए हैं अरशद नदीम के लिए, मेरा लिटरली बस मतलब आंटी ने दिल जीत लिया। अरशद और नीरज अच्छे दोस्त हैं, आगे पीछे ही रहते हैं। 2020 से आप देख ले तो इनकी पोजीशन है आगे पीछे ही जा रही है। नीरज हैज बीन लकी विद गोल्ड मेडल और जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, दूसरे गेम्स हो गए, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान की वालदा बन चुकी। देखे इंडिया में वो वालदा कहते हैं, मम्मी जी कहते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में अम्मी जान कहते हैं, तो वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान की अम्मी जान बन गई। इंडिया में हिंदुओं की रस्म है कि वो माओ के पाँव छूते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि इनके पाँव चूमू जो इन्होंने बात की। इसके हवाले से तो कहा जा रहा है कि अगर गोल्ड मेडल इस बच्चे ने जीता है तो माओ ने डायमंड मेडल जीता है। दोनों तरफ की माओ ने जिस तरह से सबको यकजा किया, पंजाब चढ़दा पंजाब तो लहंदा पंजाब, तो एक खुशी तो हर जगह सेलिब्रेट की जा रही। वीडियो मेरे सामने से गुजरी, नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिल गुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं मतलब इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माजी आपको, सल्यूट है, क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। शायद पाकिस्तानी काफ़ी लोगों को नहीं पता, नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते हैं ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूँ कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर। मुझे आज समझ में आया कि क्यों होता है, क्योंकि पीछे माँ है, वो माँ का माँ की वो तरबियत है, ये बहुत मैटर कर रही होती है। और आज समझ में आया कि जो कहा जाता है ना कि मतलब चैंपियन बनाने के पीछे माँ का क्या किरदार है, वो बहुत खास होता है। टेस्ट के लिए कहना चाह रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये नीरज चोपड़ा की मदर के अल्फाज हैं। इवन के सोशल मीडिया आप खोल कर देखें, वापस की मदर ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि गोल्ड बेशक अरशद दीदा है, तो मुझे खुशी भी है क्योंकि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। क्योंकि अब ये देखें कि अरशद नदीम को अब पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, अब हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हर ब्रांड अब उसको अप्रोच करेगा कि हमारा हीरो है। भाई ये हीरो तब पहले भी था, तब क्यों नहीं सपोर्ट किया? अब अरशद नदीम ने इतनी बड़ी ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अभी तक ये याद रखें कि जिस बंदे को 85,000 से 75,000 की जब जरूरत थी ना एक जैवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जैवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी।
तो यहाँ से आप अंदाजा लगाए जब आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती और गवर्नमेंट के नॉन सपोर्ट होने के बावजूद जब आपका एक हीरो आपके मुल्क के अंदर मेडल लेकर आता तो फिर गवर्नमेंट उसको कहती है भाई हमने सपोर्ट किया था, भाई कहाँ से सपोर्ट किया था, नजर तो नहीं आया। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना ये स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ क्रिकेट को करती है बस। इंडियंस अपने छोटे से छोटे स्पोर्ट्स को वालों को कितना कितना अप्रिशिएट करते हैं और पाकिस्तान वाले कितना करते हैं भाई। इंडिया वाले मैं देख रही हूँ वो भी अरशद नदीम की तारीफें करते नहीं थक रहे, उसको भी जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसा प्लेयर ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसा प्लेयर हो ही नहीं सकता। ओलंपिक्स का 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया अरशद नदीम ने। बड़ी बात है तो आप ये मार्केट का पूरा सर्वे करें, आप किसी भी मार्केट वाले किसी भी बंदे से पूछ रहे यार आपको अरशद नदीम का पता है, किसी को नहीं पता होगा। मैं आपका इतनी बात बता रहा नहीं यार, आपको तो पता है भाई, आपको भी नहीं पता होगा। ये मैं एक्सपीरियंस वाली बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर के बाहर से आ रहा था, मैं किसी से बात कर रहा, मैं भाई अरशद नदीम का पता कौन है, कहता कौन है भाई हमारे नहीं नहीं जिनको सोशल मीडिया का आइडिया नहीं ना वो, अब मेजोरिटी हर किसी को पता चलेगा, हर कोई ना इसको सोशल मीडिया पे पापा पापा कहेगा। दो साल पहले मुझे खुद याद है मनान, दो साल पहले जब मैंने जिविलियन थोरो पे प्रोग्राम किया था, जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे किसी को नहीं पता था, नीरज और अरशद का नाम नहीं जानते थे लोग। ये भाई स्पोर्ट्स है जिसके अंदर ना इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हमें प्रॉपर तरीके से नजर आया, साउथ एशिया के अंदर गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, दो बड़े मेडल एशिया के अंदर है, यही सबसे लिए सबके लिए सबसे बड़ी प्राउड मूवमेंट ये है, बहुत बड़ी प्राउड मूवमेंट है कि ना गोल्ड गया जर्मनी में गया, ना इस्टोनिया में गया, ना ही युगांडा में, ना अफ्रीका में, कहीं नहीं गया, यूरोप में भी नहीं गया। सबसे बड़ी बात है सबसे ज्यादा मेडल यूरोप में जाता होता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स की बाजी साउथ एशिया में आ गया, पाकिस्तान में आ गया। मजे की बात यह है कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की माओ ने जो इंटरव्यूज दिए और जो बयान दिए उससे पता चल गया कि इंडिया और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करती हैं, इंडिया और पाकिस्तान की माए एक दूसरे के बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है। अब मैं आपको सही बताऊँ, ये मैं आपको जनवन एक बात बताता हूँ, ऑन कैमरा बात करूँ, बेशक आप ये क्लिप निकाल के भी सेव कर लेना, जेवलिन अगर पाकिस्तान में किसी ने उठानी है ना तो अरशद नदीम ने अपने बल पे उठा के अपना इंस्टीट्यूट बना के खुद करे। तो सबसे बड़ी बात है इस टाइम देखें, दुनिया में कहा जाता है कि माएं सांझी होती हैं, यानी कि माएं एक जैसी होती हैं, तो नीरज की जो वालदा है ना उसने बता दिया कि माएं वाकई सांझी होती हैं, और माएं देखो माँ माँ ही होती है, माँ के लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरा बेटा है ना नीरज, उसी तरह मेरा बेटा जो है ना अरशद भी मेरा उसी तरह ही बेटा है, और अगर अरशद जीते चाहे नीरज जीते मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। यकीन माने ये दुनिया की बहुत बड़ी जो माएं होती हैं ना जिनका बहुत बड़ा कलेजा होता है, उन्होंने ये चीज जाहिर किया। और प्लीज मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा, ये मेरा मैसेज, ये मेरी वीडियो पूरे इंडिया में फैलाएं कि नीरज की वालदा तक ये वीडियो जाए। यकीन माने कि वो एक माँ नहीं है, वो एक अजीम माँ है, क्योंकि उन्होंने अजीम माँ होने का सबूत दिया है। देखिए इससे पहले जब ओलंपिक्स हुआ था ना उसके बीच में भी उन्होंने बड़े प्यारे इंटरव्यू दिए कि मेरे तो दोनों बच्चे हैं अरशद और नीरज, ये बड़े पुराने दोस्त है, पुरानी यारी है इनके बीच में, लोग जो मर्जी बनाते फिरे, जो मर्जी कहते फिरे, बड़ी बातें इसमें ओलंपिक के बीच में भी जो पिछला ओलंपिक हुआ था ना उसके बीच में स्कैंडल बन रहे थे पाकिस्तान के अरशद के ऊपर, तो नीरज ने उसके ऊपर खड़े होकर बात की थी, सपोर्ट किया था, उन्होंने कहा था इधर पाकिस्तान इंडिया नहीं होने दूंगा और इधर मेरे नाम के ऊपर कोई गलत फहमी मैं इंडिया पाकिस्तान की नहीं डलने दूंगा। और नीरज की जो वालदा है यकीन माने उन्होंने जो बयान दिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने भी उनके बयान के ऊपर बात की, इतनी प्यारी बात की उन्होंने, ऐसे मोदी कह रही है। मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि नीरज चोपड़ा के फोन पे बात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बकायदा तौर पर नीरज चोपड़ा भाई से यह पूछा कि आपकी वालदा भी स्पोर्ट्स के हवाले से काफी जानती है, उन्होंने बोला नहीं मेरी वालदा तो नहीं जानती, उन्होंने कहा लेकिन जो उन्होंने बात की है अरशद नदीम को लेकर वो बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया है, उन्होंने ये बोला कि भाई मेरी तरफ से अरशद जीते या मतलब अरशद नदीम जीते या फिर नीरज चोपड़ा जीते दोनों ही मेरे बेटे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का उन्होंने नीरज चोपड़ा जो है ना उनकी वालदा जो है यकीन माने ये हार के भी जीत गई है, हारी तो नहीं वैसे सिल्वर मेडल सिल्वर लिया लेकिन आप समझ नहीं रहे, हार के कैसे जीत गई है कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया है, ये इस टाइम पूरे पाकिस्तान की वालदा बन चुकी। देखे इंडिया में वो वालदा कहते हैं मम्मी जी कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में अम्मी जान कहते हैं, तो वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान की अम्मी जान बन गई। इंडिया में हिंदुओं की ये रस्म है कि वो माओ के पांव छूते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि इनके पांव चूमू जो इन्होंने बात की, यकीन माने ये माँ है, ये हमारी भी माँ। देखो वो जेलस नहीं हुए, वो जले नहीं, उन्होंने स्कैंडल बनाने शुरू नहीं कर दिए, कह दिया जैसे हमारे एक बॉलर मतलब जब वो उनके मोहम्मद शामी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे थे बॉलिंग कर रहे थे, हमने कह दिया इनके बॉल के अंदर चिप है, तो कहने का तो एक मतलब ह्यूमर ही होता है ना। अरशद नदीम के पास एक ही जैवलिन था, नीरज के पास शायद 60-70 थे, और नीरज पहले से यूरोप गया हुआ था ताकि उसकी बॉडी अक्लेमेटाइज हो जाए, यानी वहां के मौसम के हिसाब से ढल जाए, लेकिन नीरज आज परफॉर्म नहीं कर पाया, अफसोस की बात है। इंडिया का बड़ा बैड लक चल रहा है, एक गोल्ड कल जाया हो गया 100 ग्राम के ऊपर, उस पर फिर कभी बात करेंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन हो गई और कुछ जो है फोर्थ पोजिशन पे है नीरज मेरे ख्याल से 93 के चक्कर में, क्योंकि अरशद ने देखो एक मुकाबला होता है हमारा दुनिया से,
एक होता है इंडिया पाकिस्तान से, वो हमारी राइवलरी अच्छे नोट पे चलती है। और अर्शद और नीरज अच्छे दोस्त हैं, आगे पीछे ही रहते हैं, 2020 से आप देख लें तो इनकी पोजीशन है आगे पीछे ही जा रही है। नीरज हैज बिन लकी विद द गोल्ड मेडल, और जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, दूसरे गेम्स हो गए, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स, तो नीरज पे वो प्रेशर आ गया मुझे लगता है, विच इज वाई वो उसने फाउल पे फाउल किए। उसका सिल्वर पक्का था, लेकिन आई थिंक वो 93 के चक्कर में हार गया और रेस से निकल गया। लेकिन अर्शद नदीम ने वो कर दिखाया भाई, जो कोई, अरे भाई लोग मैसेज कर रहे हैं अर्शद भाई इसी तरह उठा के मुझे जर्मनी फेंक दो, कोई कह रहा है फ्रांस फेंक दो, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया फेंक दो, नहीं हो पा रहा हमसे यहाँ पे, बहुत हो गई, हम आ रहे हैं, हमें भी इसी तरह यू करके किसी मुल्क पे टिका दो, बल्ली बल्ली यार। अबे भाई यार ये रोना आ रहा है यार, कसम खुदा की यार, क्या हमें वैसी खुशियां नहीं मिलती इस मुल्क में आपके सामने यार, क्या क्रिकेट, क्या सियासत, क्या बिजली के बिल, नौकरियां नहीं है, परेशानियां है, जिधर जाओ लोग तंग है यार, कारोबार नहीं है, जहां जाओ लोग परेशान है। चलो यार इन सब में खुदा की कसम खुशी हुई है यार कि फाइनली कोई अच्छी खबर तो मिली यार पाकिस्तान को, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू यार। इंडिया ने 117 एथलीट भेजे हैं, लेकिन चूंकि अभी तक वहां गोल्ड नहीं आया, गोल्ड वाले की रैंकिंग ऊपर होती तो हम 7 एथलीट्स में ही एटलीस्ट ऊपर आ गए। तो फिर भाई एक बात यार, चढ़ते सूरज के सब पुजारी होते हैं, अब सब आगे बोलेंगे हाँ जी अर्शद को खुराक मैं खिला रहा था, ट्रेनिंग मैं कर रहा था, या हमने फेडरेशन ने ये रूल किया, ये सिर्फ अर्शद क्लेम कर सकता है, ये सिर्फ उसकी अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी विल पावर थी। अब कोई बोलेगा जुल्फिकार फारूकी ने गोली दे दी, कोई बोलेगा हमने सांडे का तेल दिया था, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अर्शद क्लेम कर सकता है। और मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम। और देखो यार मुझे मैंने आपको याद होगा कि 2020 के ओलंपिक के बाद जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही कहा था कि वी नीड टू फोकस ऑन दीज प्लेयर्स, ये भी हमारे हीरो हैं, ये भी उतने ही काबिल हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने में, अगर इनकी कफालत कोई कर ले, कोई इनको ट्रेन कर ले, कोई इनका जिम्मा उठा ले तो हमारा नाम रोशन हो सकता है यार।